हो गई है टनल शुरू। ये जो नीचे जाते हैं ये है पुराना रास्ता और अब चलेंगे टनल टू टनल्स। तो बिहार इतना टाइम नहीं लगता भाई। हिमाचल के रोड भी भाई पंजाब और हरियाणा जैसे ही है, बिल्कुल मस्त हाईवे। मंडी तक तो बिल्कुल ही क्लीन है मंडी। ट्रैफिक का हाल, जैसे जैसे नीचे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे ट्रैफिक पैक। ये देखो भाई, और ये भाई हमारा सेटअप था रात को। हम क्योंकि लेट पहुंचे थे तो नीचे ही अपना सेटअप कर लिया था और मैं और महिपाल भाई यहीं सो गए थे क्योंकि टेंट वेंट रात को खोलने की एक तो स्पेस कम था, फिर मैंने गाड़ी इधर उधर करेंगे। ये देखो सेब आना स्टार्ट हो गया है लगना, अब बस साइज बनाएंगे। स्नो के लिए आपने जाना है तो 5:30 बजे टूरिस्ट अभी निकल रहे हैं। उसके बाद तो अगर 6 से आप जितना लेट होते गए तो ये मान लो कई बार तो ऐसे होता है 8 बजे बंदा यहाँ से चला और वो शाम को 5 बजे वहाँ पे पहुंच रहा है स्नो पॉइंट पे। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे बैंकॉक में, बैंकॉक से हम वापिस आए दिल्ली और दिल्ली रुके हुए थे। और भाई जो दिल्ली ने हालत खराब की है ना अभी, बस पूछो मत भाई। इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी कि भाई मजबूरी में दिल्ली छोड़ने का डिसीजन लेना ही पड़ा। और भाई हम निकल गए हैं पहाड़ों में, पहले जाएंगे यहाँ से मनाली, मनाली से जाएंगे फिर आगे लेह लद्दाख की तरफ। तो वो बताएगी सिचुएशन कहाँ तक कैसे है क्या है, वो दिखाते रहेंगे हम आगे। पर अभी निकल रहे हैं भाई मनाली की तरफ। और भाई कितना अलग ही सुकून होता है ना जब आप 46 प्लस टेम्परेचर था कल नजफगढ़ का, तो भाई सोचो कितनी भयंकर हाल होगा। आप रोड की हालत देखो ना भाई, रोडों पे गिनी चुनी गाड़ियां हैं और ऐसे आग उगल रही है। सुबह के 9 बजे हैं, 9 बजे ऐसा लग रहा है जैसे भाई पता नहीं क्या हो गया। और जिस हिसाब से भाई गर्मी चल रही है ना, मेरे को पहले तो गर्मी आ नहीं रही थी और अब जब आई है ना तो ऐसी छप्पर फाड़ गया ये कि बस पूछो मत। तो भाई हम तो निकल रहे हैं अभी 10-15 दिन 20 दिन पहाड़ों पे रहेंगे, माइनस में रहेंगे। देखो भाई पीछे रजाई कंबल वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ रेडी है। हम अब सीधा निकलेंगे यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली। और भाई मनाली के बाद हमारे साथ ज्वाइन होंगी 3 और 4 गाड़ियां, तो टोटल हो जाएंगी हमारी 5 गाड़ियां। तो 5ों गाड़ियां जाएंगी लेह लद्दाख। तो देखते भाई कैसा रहती है इस साल की लद्दाख ट्रिप, क्योंकि लास्ट ईयर की आपने देखी होगी मैंने की थी। और भाई थोड़ा सा है ना आवाज फटी फटी हो रही है क्योंकि जो काम था ना गर्मी में गर्म ठंडा जो किया ना उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। देखो भाई गर्मी में जगह जगह पानी पिला रहे हैं रोक रोक के, तो बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं लोग और करना चाहिए भाई ऐसा। लोगों को हम भी पी के चलेंगे भाई, पानी प्यास लगी है। सबसे बड़ी सेवा ये है भाई, ठंडा पानी था बढ़िया रूह अफजा का, मजा आ गया तो रिफ्रेश से हो गए दोबारा और फिर निकल गए भाई। अभी कहीं रुकेंगे लंच वगैरह, लंच तो मैं वैसे तो लेके आया हुआ हूँ, पैकिंग है ये देखिए, तो लंच की तो पैकिंग आई हुई है भाई, तो वो करेंगे। बट बाहर से अपना जूस का गिलास या कुछ लेंगे उसके साथ, या फिर अगर दहिया लस्सी मिल गई तो यार वारे ही न्यारे हो जाने। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अम्बाला और भाई अब यहाँ से हम एंटर करेंगे पंजाब में। और पंजाब एक बार क्रॉस हुआ क्योंकि अब हिमाचल के रोड भी भाई पंजाब और हरियाणा जैसे ही है, बिल्कुल मस्त हाईवे। मंडी तक तो बिल्कुल ही क्लीन है, मंडी के बीच में, मंडी से ऊंट के बीच में थोड़ी दिक्कतें हैं, वो भी शायद हो 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गया अभी गए हुए, तो शायद हो सकता है वो भी क्लियर हो गई हो, वो आपको चल के दिखाते। पर भाई अम्बाला तक तो संडे था और भाई वैसे ही गर्मी इतनी है तो ट्रैफिक बहुत बहुत कम है भाई, मतलब नॉर्मल डेज के मुकाबले मेरे को बहुत कम लगा। इसलिए मैं 2 बजे हैं दिन में और मैं पहुँच गया हूँ अम्बाला, अम्बाला क्रॉस कर लिया मैंने। इस रोड पे पूरे पे जो सबसे फेमस प्लेस है वो मेरा ये है, दूर से मस्त सा लगता है, रात को लाइटिंग में तो और भी बढ़िया लगता है।
और भाई ये रास्ता नीचे को चला गया चंडीगढ़ को, और ऊपर से जाएंगे तो हम सीधा चले जाएंगे पटियाला लुधियाना वाले रोड पे। तो भाई जो नया हाईवे बना हुआ ना वो जबरदस्त मक्खन है, बट वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी, स्पीड लिमिट कम है, बट ये है कि भाई जो पहले काम 4 घंटे में होता था ना वो अब 2 घंटे में हो रहा है। तो जितना डिस्टेंस हम 4 घंटे में कवर कर पाते थे उतना अब 2 घंटे में कवर कर देते बड़ा इजीली। क्या बंद कर रखा है रोड, शायद देखते नीचे से चलते भाई, बंद कर रखा है तो मैन हाईवे पता नहीं क्यों बिल्कुल बंद कर रखा है। जो अपना टोल प्लाजा है ना राजपुरा से पहले जो टोल प्लाजा जहाँ खरड़ के लिए मुड़ते हैं वो बिल्कुल बंद कर रखा है। और भाई अभी देखो गांव से निकल रहे हैं किसी बीचों बीच, ये भी वैसे ही किसी को गूगल तो कुछ बता नहीं रहा है, बीच बीच में से ही बस इनको थोड़ा आगे पीछे से करके देख रहे हैं शायद होगा कोई बीच में से रास्ता, क्योंकि ये गाड़ी अभी वहीं से मुड़ के आई थी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ता है। शायद हिसार वाला जो हिसार से वहां पे आता है ना अंबाला की तरफ उस हाईवे के नीचे पहुंचा दिया। अब ये एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता है कहाँ निकालेगा ये। तो भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, रास्ता कोई प्रॉब्लम होगी बंद कर दिया। पर भाई सबसे गंदी बात पता क्या है, न वहां पे कोई खड़ा हुआ है और न कहीं कोई डायवर्शन डाल रखा है। बंदा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे से घूम के आता है खुद ही अपनी मर्जी से, और फिर आफ्टर दैट उसके पास कोई डायवर्शन का रास्ता नहीं है, वो अपनी मर्जी से किसी से पूछता फिरे या जैसे मर्जी जाए जाना पड़ेगा खुद ही। तो भाई वापिस आना पड़ा पुराने हाईवे पे जो अपना चंडीगढ़ से निकलता है तो उससे जाएंगे, पर बीच में से एक रास्ता लेफ्ट साइड को जाता है, बीच से एक रास्ता कटता है अंदर अंदर से, तो उसी से जाना पड़ेगा क्योंकि वो हाईवे तो बंद कर रखा बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ ऐसा लग रहा है परमानेंट ही पैक कर रखा, पता नहीं इलेक्शन की वजह से है या कोई और वजह, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा ऐसी कोई वजह, तो कुछ भी वजह हो सकती है भाई, क्योंकि बोटिंग थी भाई और मैं भी दिल्ली सिर्फ इसलिए रुका हुआ था क्योंकि बोटिंग थी, अदरवाइज भाई जिस हिसाब से गर्मी थी ना रुकने का काम नहीं था भाई। आप सिर्फ एसी में सो सकते हो रह सकते हो बाकी काम कुछ नहीं कर सकते बाहर जाके। देखो भाई ट्रैफिक का बुरा हाल है, सिंगल वे पे निकाल रखा है, 2 रोडों का ट्रैफिक जब एक पे डाइवर्ट होता तो आपको पता है हालत क्या होती है। और भाई साहब मैंने पूछा वहाँ पे जहाँ पे मैं फ्यूल डलवा रहा था तो उनसे पूछा कि भाई क्या दिक्कत हुई, बोले भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब किसान आंदोलन हुआ था ना पहले तो भाई तब जाके इसको लगाया था, बंद किया था इस रोड को और उसके बाद खोला ही नहीं, सरकार खोलना ही भूल गई, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई किसान बैठा हुआ है धरने पे ना कुछ है, तो भाई इसको तो खोल दो यार हाईवे को, कम से कम हाईवे ही बंद कर रखा। बताओ लोग देखो अप्रोच रोडों से कैसे धक्के खाते हुए जा रहे हैं, देखो एक बार आप। किसी की सरकार हो किसी को जू नहीं रहेंगी, जिसको जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम होती है वही संभालता है। फाइनली पहाड़ तो दिखने लग गए, बाहर गर्मी उतनी ही जबरदस्त है, 1-2 डिग्री का फर्क है। हम पहुंच चुके कीरतपुर और जल्दी ही हम एंटर होंगे हिमाचल में। और ये देखो भाई रिवर, दिल तो ऐसा कर रहा है भाई कूद के थोड़ी देर नहा ही ले, पर भाई अभी पहुंचना है, वैसे ही लेट हो चुके, 5 बज चुके और हमें मतलब मैं 9-10 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा अपनी लोकेशन। ऑलरेडी भाई वो जो तो 4 गाड़ियां थी ना वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, तो वो लोकेशन देख रहे हैं जो उनसे उनको बेस्ट लगी वो वहां जाके रुक जाएंगे। बाकी मैं एक बार बात करता हूं भाई कहां है वो क्या कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद पहाड़ दिखे हैं भाई, गर्मी से पक चुके थे और वहां पे भी भाई जहाँ वियतनाम गए थाईलैंड गए हर जगह गर्मी, कोई पहाड़ नहीं कुछ नहीं। मनाली में मतलब बहुत अच्छा वेदर है, मतलब रात को 10-12 तक जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको क्रॉस करेंगे ना शिशु को क्रॉस करेंगे तो आगे टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और हमें -2, -4, -5 तक तो मिलेगा ही मिलेगा, -5-6 तक। तो भाई देखो कितना डिफरेंस होता है, मतलब इंडिया कितना डिफरेंट है, देखो इधर इतनी हैवी गर्मी है कि मतलब बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं वहाँ फिर भी अभी भी टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। पर भाई तभी तो बोलते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया के पास सब कुछ है, पहाड़ है, ठंड है, गर्मी है, बीच एरिया है, सब कुछ है भाई। प्राउड टू बी इंडियन यार, मतलब अच्छा लगता है जब हम दूसरी कंट्रियों में गया ना, मैं अभी देखा तो उन्होंने उनका एक ही होता कि हमारे यहाँ तो गर्मी ही रहती है, हमारे यहाँ सिर्फ गर्मी या बारिश ही रहती है, हमारे पास चारों वेदर है और हर चीज़ है, तो एक बहुत अच्छी बात है भाई।
जल्दी ही हम हिमाचल में एंटर हो जाएंगे और फिर दिखाते हैं आपको हिमाचल की वादियां ठंडी ठंडी। फाइनली ऑफिशियली एंट्री हो गई है अपनी हिमाचल में घुस चुके हैं और सीधा निकलेंगे बस फटाफट। रास्ते में एक जगह भाई लंच भी नहीं किया मैं जल्दी में, बस मैंने कहा एक बार आगे चलते हैं और फिर देखते। हो गई है टनल शुरू, ये जो नीचे जाते हैं ये है पुराना रास्ता और अब चलेंगे टनल टू टनल्स, तो यहाँ इतना टाइम नहीं लगता भाई। अब तो मनाली का रास्ता ऐसा हो रखा बिल्कुल स्मूथ मक्खन बिल्कुल। ये देखो भाई, पर अभी ये सिंगल ही चली, उधर वाली अभी भी नहीं चालू की इन्होंने, एक ही लाइन चल रही है तो इसलिए धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा इनके पीछे। देखो भाई व्यू आसपास के मस्त, और चल रही है टनल पे टनल। अब तो ऐसा लगता भी नहीं कि जैसे पहाड़ों पे चल रहे, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है, बस हल्के फुल्के अप एंड डाउन है, तो ये कहीं परेशान करते ही नहीं आपको पता है भाई। टनल्स जो रेडी होगी ना वो तो मस्त है, उसमें तो साफ सफाई सब कुछ परफेक्ट ही है भाई। वैली का व्यू आ रहा ना, अभी हल्की हल्की सी ड्राई चल रही है वैली की, इतनी ज्यादा ग्रीन नहीं है, पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे ना वैली ग्रीन होती चली जाएगी। अब जो नए वाला रास्ता है ना ब्यूटीफुल, बहुत मस्त है। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, 2-3 बार तो आपको मैंने वीडियो में दिखा लिया, पर फिर भी हर बार आते हैं ना तो मस्त सा लगता है, थोड़े से अप डाउन बट रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे चौड़े, तो मतलब मजेदार हो गया। जैसे पहले अनकन्वीनियंस होता था ना वो नहीं होता भाई। ये देखो पुल बना रखे काफी बड़े बड़े, और इधर से देखो वो सामने, इधर से उतरेंगे तो दूसरा पुल आ जाएगा उससे होते हुए। और भाई ये पानी बिल्कुल सूख गया, नहीं तो पिछली बार मैं आया था ना इधर तो बहुत भयंकर पानी भरा होता भाई, गर्मी हो गई इसका मतलब जबरदस्त। देखो इधर मैदान दिख रहे हैं आपको, यहाँ तो पानी होता था फुल पैक, दिखाता हूँ आपको भाई। ये अब दिख रही है सिर्फ रिवर, पहले भाई ये बिल्कुल ना फुल पैक हो जाता था पानी, ऊपर तक तो बिल्कुल एंड तक आता था, पर अब तो बिल्कुल ही खाली है। देखो बिल्कुल रिवर दिख रही है, नहीं तो ये तो पूरे पैक थी भाई, कम से कम भी मैं कहता हूँ 100 फुट से ऊपर का पानी होगा इसमें। क्या सुहाने बने हुए हैं, टनल टू टनल चलता है। और भाई मौसम भी अब तो ऐसा हो गया कि मैंने देखो एसी भी बंद कर दिया भाई, और मतलब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर बिल्कुल। अभी तो है मतलब हल्का फुल्का, मतलब आप मानो 25-27 डिग्री है, पर भाई जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो एक कम हो जाएगा, कोई ऐसा इशू है नहीं, वहां जाके जैकेट पहना देगा। पहुंच चुके सुंदरनगर में आपका स्वागत है। और भाई ट्रैफिक नहीं मिला आज संडे के कारण, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। जिस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक होता है ना, तो मतलब आप मानो अंदाजा मैं 1 घंटा जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था लगभग 11:30-11 बजे के आसपास, और मैं 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा अगर मैं नॉन स्टॉप गया तो। अगर मैं रुका तो मैं 10:30-10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठंडे होने के कारण पूरी मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज ही है, शायद कोई एक आध ही दुकान ऐसी है जो ओपन है, तो देखते हैं अगर हमारे काम का कुछ मिल गया तो। मेरे को दही चाहिए एक्चुअल में, तो अगर दही मिल गई तो मिल ही जाएगी, दही कहीं साइड में लगाते हैं और दही लेते हैं पहले। तो खूबसूरत वादियां होगी स्टार्ट, हम पहुंच चुके हैं मंडी भाई। मंडी से लगेंगे हमें लगभग 2 घंटे के आसपास, 2 लगेंगे या 2.5 लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड है, बट आज संडे है तो कोई इतना खास ट्रैफिक होगा नहीं। एक है ना बस ये है कि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए ना कंप्लीट, तो बहुत सारे जगह पे चेक पॉइंट लगे हुए, पर दोपहर को कोई भाई कोई था ही नहीं, पॉइंट्स तो बने हुए थे हर जगह पर किसी ने रोका। तो भाई टैंक करा दिया है फुल, पेट्रोल पंप पे थे और अब निकल रहे हैं वापस मनाली की तरफ। रास्ते में थोड़ा सा कुछ खाना है, छोले वगैरह या कुछ भी चलते चलते खाएंगे, क्योंकि अब तो लेट हो ही गए भाई, रवाना हो गया स्टार्ट। बट ये है कि रोड सारे जितने भी थे ना अब टोटल रोड क्लियर कर दिए, यहाँ तक तो मतलब हम आगे थलोट पहुंचने वाले हैं, यहाँ तक तो क्लियर है भाई पूरा, पर आगे का पता नहीं, आगे हो सकता कहीं छोटा मोटा होगा, क्योंकि बाकी सबसे मेन जो पॉइंट थे वो ये पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बाकी जगह पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और भाई ये देखो यहाँ से मतलब मान लो सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर तक वो है, ये सबसे जो डेड रोड था वो ये है। आग का तांडव कैसे मचा हुआ है, और अब ये बढ़ती चली जाएगी बड़ी। और भाई पहले जो रास्ता चेंज कर दिया था ना, शिफ्ट कर दिया था, वो यहाँ से आ रहा था, अब दोबारा से ये सही कर दिया है और सीधा यहीं से निकल रहे हैं। अब था वो रास्ता
जो बह के नीचे चला गया था, अब इसको दोबारा पूरा भरा है, फिलिंग करी है, डंगा लगाया और तब अब जाके दोबारा रेडी हुआ है। हमें मिल ही गया ट्रैफिक, हम खड़े हो गए ट्रैफिक में, भाई साहब खड़े हुए थे पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला भाई कि आगे सिंगल लाइन बनाई हुई एक साइड से, एक बार छोड़ते तो वही चल रहा, अभी देखते हैं कितनी देर में सुलटते हैं यहाँ से। ट्रैफिक का हाल, जैसे जैसे नीचे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे ट्रैफिक पैक, पूरा पैक पड़ा है दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है। दो मिनट के लिए खुलता है फिर पैक हो जाता है। जो लोग भी आना चाहते हैं ना, कोशिश करो या तो ऐसा करो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ तो बहुत राइट टाइम है, क्योंकि इस टाइम तकरीबन लोग जो सुबह निकलते हैं वो इस टाइम पहुंचते हैं, और भाई इस टाइम हो जाता है ट्रैफिक भारी। क्योंकि मैं निकला था दिन में 11 बजे, मेरे को थोड़ा सा काम था तो मैं वो काम ख़त्म किया और 11 बजे निकला, तो इसलिए लेट हो गया भाई। इसलिए कम से कम एक डेढ़ घंटा तो फंसना ही पड़ेगा मिनिमम टू मिनिमम, क्या करें अब भाई। अभी है ना इस टाइम मेरे को है ना मनाली होना था और मैं अभी ऊंट भी नहीं पहुंचा हूं, यानी लगभग दो घंटे एकदम पीछे कर दिए इन्होंने। ट्रैफिक भाई साहब इतना ट्रैफिक आ रखा है, लोगों ने बोट वोट ना डाली दिल्ली विल्ली वालों ने, सब ने बैठ के और बोला चलो मनाली गर्मी बहुत हो रखी है, सब मनाली में गए हुए हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। पर भाई हिल नहीं रही गाड़ी, अब पूरी ऐसे कैसे जाम पड़ी है देखो आगे तक। पहुंच गए भुंतर भाई, एक रास्ता चला गया है भुंतर चौक है, तो ये रास्ता चला गया कसोल को, ये वापिस चला गया अपना भुंतर की तरफ, और ये सीधा चला गया कुल्लू मनाली की तरफ। जिस हिसाब से लाइटें दिख रही होगी ना आपको आगे से, पूरा कुल्लू सिटी है और बहुत पीछे से स्टार्ट हो जाता है, काफी लंबा एरिया है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन में सब अलग सा कुछ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कल जो सुबह थी ना वो थी एक गर्म जलती हुई सुबह, और अब देखो भाई मौसम सामने दिख रही है स्नो, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मनाली, और हमारे साथ है भाई महिवाल, भाई ट्रेवल विद महिवाल। भाई आपने लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं मतलब जब मनाली की लास्ट वीडियोस थी उसमें देखा होगा, हमने इसी जिमनी में ही जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी भाई ने ही उस टाइम अपनी गाड़ी से ही हमने पूरा किया था, क्योंकि मेरी गाड़ी हमने कर दी थी वहां पे, हमने सिर्फ दो दिन कैंप किया था अपनी गाड़ी में, बाकी भाई की गाड़ी में ही घूमे थे। और आज भी भाई रात को आ गए थे, क्योंकि भाई इधर है ना रात को हम पहुंचे थे लगभग मतलब मिलते जुलते लोगों से पहुंचे तो 12 बज गए थे रात को, फिर मैंने कहा रात को क्या दिखाया, अंधेरा ही था, मैंने सुबह मिलवाते भाई से। और भाई जिसको भी मनाली की ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई का चैनल है ही ट्रैवल विद महिवाल, विद महिवाल एक्सप्लोर मैं हमेशा ट्रैवल बोलता हूँ, एक्सप्लोर विद महिवाल लिखोगे, महिवाल लिखते ही मनाली में तो आ जाए तो महिवाल डालोगे तो भी आ ही जाता, भाई का चैनल अच्छा है, ग्रो कर रहा है। और भाई जिनको ट्रैवल के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मनाली के लिए, उनके लिए तो बेस्ट है, तो भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और भाई हमारा भी कर लिया करो। मनाली की जो सिचुएशन है ना भाई बहुत बुरी है, हर जगह जाते वक्त आते वक्त हर जगह ट्रैफिक फंसा हुआ, और यहाँ तो एक सिंगल लाइन है इसमें तो रहता ही रहता है भाई। इस टाइम अगर आप घूमने आ रहे हो, आप सोचो सुबह 8 बजे है और इतना हैवी ट्रैफिक हो चुका है, अगर बंद यही 9-10 बजे देखोगे तो आपको मतलब ये मान लो कि आप सिर्फ कतार में खड़े होने के लिए आए हुए हो, क्योंकि भाई ये जो बर्फ दिख रही है लोग इसके लिए पागल हो रखे हैं आज। क्या बोलते हो भाई, आपका तो डेली का है ये, अगर स्नो के लिए आपने जाना है तो 5-5:30 बजे टूरिस्ट अभी निकल रहे हैं, उसके बाद तो अगर 6 से आप जितना लेट होते गए तो ये मान लो कई बार तो ऐसे होता है 8 बजे बंदा यहाँ से चला और वो शाम को 5 बजे वहाँ पे पहुंच रहा है स्नो पॉइंट पे, स्नो पॉइंट तो वहाँ अपने इसमें शिशु साइड में नहीं कहीं भी स्नो, नहीं कहीं भी नहीं स्नो के। अभी दो ही ऑप्शन है, एक रोहतांग पास, दूसरा फिर बारलाचा पास। बारलाचा पास का ज्यादा लोगों को पता नहीं है, दूसरा इतना दूर वो ट्रैवल नहीं करना चाहते तो रोहतांग का ही चला। और रोहतांग पे भी ट्रैफिक अभी इस वजह से है कि अभी कोक्सर की साइड से रिटर्न नहीं हो रहा। अभी क्या है, जैसे ट्रैफिक कम कब होएगा कि हम कोठी गुलाबा मड़ी होते हुए रोहतांग गए और फिर रिटर्न हमने कोक्सर से होके अटल टनल की तरफ से। अभी क्या है कि रोहतांग 0 पॉइंट से ही रिटर्न करना पड़ता है क्योंकि आगे स्नो है, और आज लगभग स्नो हटाई जाएगी, मतलब दो गाड़ियां एक साथ निकल जाएगी। अच्छा हाँ, कल रोड चेक किया था तो काम कर रहे हैं भाई बीआरओ वाले, पर 100 मीटर का पैच बचा है, 100 मीटर का पैच बचा हुआ होता है जहाँ से सिंगल गाड़ी का रास्ता है, बाकी सारा डबल कर दिया, और बीआरओ वाले तो भाई 7:30-8 बजे लग जाते हैं।
हमारी बहुत सारी वीडियोस है कैसे बर्फ थी सारा का सारा डिटेल में डालना भाई। एवरीडे जाते हैं, चेक करके आते हैं सिचुएशन क्या है और आपको अपडेट करते रहते हैं भाई। जो लोग आते हैं ना, देखो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा जो सबसे बेस्ट है, कि इस टाइम अगर आप आ रहे हो ना तो अपने माइंड में ये सोच लो कि एक नाइट शिशु या जिस्पा रुकेंगे हम। अगर आपको स्नो की चाहत है ना तो एक नाइट शिशु या जिस्पा रुको, बारालाचा पास जाओ, ना कोई परमिशन की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं है, फटाक से पहुंच जाओगे, ना ट्रैफिक में फंसोगे और एक नई सिटी भी एक्सप्लोर कर लोगे हिमाचल की, क्योंकि मनाली तो सबने देख रखा, अब धीरे धीरे लोग मनाली से थोड़ा सा बोर सा होते जा रहे हैं, अब नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो भाई शिशु जिस्पा जाओ, काफी लोग है जो जा रहे हैं। एक छोटी सी गलती थी कि स्नो चैन में घर पे भूल गया था, तो अभी घर से किसी ने वोल्वो में रखी, अभी वोल्वो से लेके जाना, सिर्फ लेके आना ये मान लो कम से कम 2.5 से 3 घंटे खाएगा, परेशान होंगे वो अलग से, भाई को परेशान कर दिया। तो भाई महिवाल भाई के होटल में आए थे, होटल में आते ही दिल किया कि भाई पहले नहा लो, फिर पता नहीं भरोसा कहाँ कैसे मिलेगी सिचुएशन। भाई नहा धोके हो गए रेडी, भाई गया नहाने के लिए, भाई भी रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में, भी यहीं से ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर रेडी है, फिर चाहे शाम तक जाम में फंसे रहे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भाई का होटल है, बाहर से मैं दिखा दूंगा, आपने पहले भी देखा होगा, और व्यू देखो भाई, सामने भी स्नो, इधर भी स्नो और इधर भी स्नो। भाई ये टाइम है मनाली में आने के लिए, अगर आप गर्मी से राहत पाना चाहते हो, दिल्ली की गर्मी से राहत पाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है, बट सबसे बड़ी समस्या क्या है, ट्रैफिक बहुत बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि अगर आपको रियली में अभी भी इंजॉय करना है तो अपनी गाड़ी को छोड़ो होटल पे, बाइक लो रेंट पे और निकल जाओ, बाइक से अगर निकलते ना फिर कोई इशू नहीं। तो भाई खाना ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, भाई ने पराठे मंगा दिए थे, बढ़िया दही वगैरह खाई, अभी चाय पीते और चाय पी के फिर निकलते हैं भाई। तो भाई ये पहुंच चुके जगसु के सामने, जगसु का हमने डिसीजन बदल लिया, महिवाल भाई ने बोला कि भाई लेके तो गाड़ी चलेंगे क्योंकि भाई को भी वीडियो बनानी थी, तो यहाँ से है ना एक शॉर्टकट जाता बीचों बीच ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे, इसलिए हमने ये रूट ले लिया। हम उतरेंगे अब नीचे और आपको दिखाते हैं, ये रास्ता बिल्कुल ही मतलब शॉर्टकट है, बट मजेदार रोड है। मैं आया एक बार, बहुत मजेदार था भाई, उस टाइम का एक्सपीरियंस तो बड़ा वो था, अब तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ये डाल दिया कंक्रीट, तब तो पत्थर थे और घुटने जितने गड्ढे थे, और भाई व्यू देखो मनाली का क्या जबरदस्त आ रहा है भाई, पूरी स्नो पीक्स और सब कुछ मस्त। पर भाई जैसे ये बन जाएगा ना तो लोग है ना इस नगर रोड से उस रोड पे कनेक्ट होने के लिए ये सबसे बेस्ट है, पर भाई अभी ये रास्ता बना नहीं है, और उस टाइम मैं जब आया ना तो मैं तो बारिश में आया था, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके चढ़े थे। और भाई ये देखो, एक तो ना जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती ना हल्की हल्की, ये बहुत निकलते हैं इधर, दिख रहा आपको, ये देखो कैसे घूम रहे होते हैं। और भाई ये देखो सेब आना स्टार्ट हो गया है लगना, अब बस साइज बनाएंगे, साइज बनते ही मस्त हो जाएगा, अभी तो पूरा ग्रीन ही है। ये देखो जहाँ पे भी देखोगे ना सेब मतलब आना स्टार्ट हो गया है, देखो बनना स्टार्ट हो गया ना, अब ये साइज बढ़ाते रहेंगे और बढ़ जाए हो जाए। और भाई गाड़ी हमने तो वहीं छोड़ रखी है अपनी, महिवाल भाई के साथ आए हुए तो निकलते अब फटाफट, क्योंकि ट्रैफिक में फंसना भाई अभी। तो भाई वापस आ चुके हैं, इस पुल को क्रॉस करते ही हम आ जाएंगे अपने मेन रोड पे, और ट्रैफिक यहाँ बस मूविंग ट्रैफिक है, इतना हैवी नहीं है, और ये है अपनी व्यास नदी। तो यहाँ तो भाई सही है, यहाँ इतना ट्रैफिक है नहीं, वो दूसरी साइड में आगे जाएंगे ना जैसे ही मनाली क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम निकला है पीछे से, जैसे ही वहां पहुंचेंगे ना आप ट्रैफिक की हालत देखना, बिल्कुल पैक मिलेंगे। बट एक अच्छी चीज क्या है कि जो रोहतांग जाने वाले, सोलन वैली जाने वाले, वो ऑलमोस्ट लोग निकल गए हैं, तो सुबह का जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट मूव हो चुका है। आपको भी ट्रैवल करना है ना तो कोशिश करो कि सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग निकलो या फिर निकलो 12-1 बजे के आसपास, ताकि ट्रैफिक कम हो, क्योंकि 12-1 बजे के आसपास निकलोगे तो आप 8-9 बजे के आसपास आओगे, तो उस टाइम भी ट्रैफिक कम हो जाता है, शाम को 5-6 बजे के आसपास तो भाई इतना बुरा हाल हो जाता है कि आप 2 घंटे जाम में खड़े रहोगे ही रहोगे। तो भाई देखो पता क्या है, ट्रैफिक से बचने, ट्रैफिक तो है बट ट्रैफिक से बचने के उपाय भी हैं। तो भाई आ तो गए वोल्वो स्टैंड, अभी बस ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं भाई कहाँ लगी मिलेगी, क्योंकि इतनी बसें खड़ी हुई हैं, ढूंढना ही मुश्किल हो रहा है। तो भाई अपनी स्नो चैन तो मिल गई है बड़ी मुश्किल से घूम फिर के। तो भाई जैसे शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाता है ना, वैसे ट्रैफिक का बस नाम ही लिया था, नाम लेते ही आ गया, पर ये है कि धीरे धीरे मूविंग है,
क्योंकि भाई इतनी गाड़ियां आ जाती ना तो ट्रैफिक पुलिस कुछ कर सकती ना प्रशासन। सिचुएशन ही ऐसी होती है, देखो एक सिटी की कैपेसिटी होती है भाई, इसकी इस सिटी की कैपेसिटी है 1,00,000 गाड़ी। अगर इस सिटी में 4,00,000 गाड़ी आएंगी तो न पार्किंग प्रॉपर हो सकती है, क्योंकि सिटी की कैपेसिटी से आउट चली जाती है, और सिटी इतनी कैपेसिटी भी नहीं बना सकती क्योंकि ये ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ एक महीना ये अभी जो छुट्टियां होती है उसमें होती है, और सिर्फ 5 से 7 दिन न्यू ईयर पे होती है, बाकी सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रैफिक इश्यूज कुछ भी नहीं है। पर भाई जो ये पीरियड होता है ना, ये होता ही है जाम के लिए, इसमें अगर आप आओगे तो जाम में फंसोगे ही। भाई हम पहुंच गए माल रोड के पास में, ये ऊपर रास्ता जा रहा है माल रोड के लिए जो शॉर्टकट होता है, मेन रास्ता आगे से है। तो भाई इस एरिया में तो वैसे ही ज्यादा होते हैं क्योंकि गाड़ियां रुकती हैं यहाँ पे, सवारियां उतारती हैं, लोकल लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। भाई रिवर तो देख कितनी प्यारी, पर अभी देखो पानी थोड़ा आपको पता है धुंधला है, थोड़ा मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो रखा, क्योंकि अभी तक मिट्टी वगैरह, क्योंकि कल बारिश हुई है। और भाई ये जो पैचेज है ना, ये अभी है जो थोड़े से काम बचे हुए हैं बीच में, बाकी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। और आते वक्त हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि दोपहर हो चुकी है और जो लोग जाने थे वो जा चुके हैं और आने वाले अभी स्टार्ट हुए नहीं है। और भाई अगर मेरी मनाली की वीडियो देखी थी, मेरी और महिवाल भाई की यही की वीडियो थी, याद करो, इधर इतनी स्नो थी भाई, कूद कूद के चढ़ रहे थे, मतलब 3-4 फुट के आसपास थी उस टाइम चढ़ रहा था, और इस गड्ढे में गिरा भी था, इस गड्ढे में गिरे थे, इसमें फंसे थे नाले में। भाई स्नो को देखने आना चाह रहे ना, तो भाई रोहतांग पास में 10-12 फुट स्नो अभी है, जो गली है ना रोहतांग दर्रा है उसमें 10-12 फुट की स्नो है अभी, प्रॉपर खुला भी नहीं है, मतलब जो रोहतांग से टनल की तरफ जाता है वो रास्ता भी प्रॉपर खुला भी नहीं है, शायद कल या परसों तक खुलेगा, जब तक आपके पास वीडियो आएगी तब तक शायद खुल चुका होगा, और ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो चुका उसके कारण, क्योंकि क्या है फिर ये सर्कल में घूम के आते हैं, अब यहीं से जाना और यहीं से आना तो ट्रैफिक हो जाता हैवी। भाई ये थी हमारी लोकेशन जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ लगी हुई है, ये सामने से सीधा नीचे उतर जाते हैं, ये देखो सभी रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी ने गाड़ियां टनाटन कर दी है, बस हमारी गाड़ी रेडी होनी है, तो 10 मिनट में रेडी होके हम निकल जाएंगे। और ये थी रिवर पास में ब्यूटीफुल, और ये खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीटल मस्त। तो भाई हमारे ग्रुप में एक गाड़ी और बढ़ चुकी है, एक कपल और जुड़ चुका है हमारे साथ। मैम क्या नाम है अपने ग्रुप का? जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन। तो भाई देखना, जाके विजिट करना, कुछ ना कुछ बेहतर ही मिलेगा हर। देखो पता क्या, आप जब अलग अलग लोगों के ब्लॉग देखते हो ना, तो जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता ही मिलता है। हम लोग क्या है, सागर एमपी से बिलोंग करते हैं, तो अभी ज्यादातर हमारा ब्लॉग में जो भी रहे वो एमपी सागर से रिलेटेड रहे। अच्छा अच्छा। और कोई एक ट्रेवल ब्लॉग है लेकिन ऐसा कोई एक थीम में बंधा हुआ नहीं है कि हमें सिर्फ एक घूमना है या धार्मिक है या कहीं, जो मौका मिलता है हम लोग वैसे ही करते हैं। इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं फक्कड़ घुमक्कड़, समझ रहे हो ना, जहाँ मूड कर गया वहीं चले गए, अच्छा है बुरा है जगह की कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फक्कड़ घुमक्कड़। हम तो बेफिक्र हैं बट ये फक्कड़ है। और ये भाई हमारा सेटअप था रात को, हम क्योंकि लेट पहुंचे थे तो नीचे ही अपना सेटअप कर लिया था, और मैं और महिपाल भाई यहीं सो गए थे क्योंकि टेंट वेंट रात को खोलने की एक तो स्पेस कम था, फिर मैंने कहा गाड़ियाँ इधर उधर करेंगे, तो मैंने कहा अभी इसको करते हैं फटाफट पैक और आपको दिखा देते हैं हमारी गाड़ियाँ कौन कौन सी ज्वाइन है। एक ये गाड़ी है, एक उधर मैडम बैठे हुए हैं, मैडम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो दिखा नहीं रहे, एक अपना हंडोरे वो देखो लगे हुए हैं भाई, वो आपको दिन में देखो भाई साहब से भी मिलवाएंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में ये एक मतलब सस्पेंस है कि कौन कौन ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्यू दे दिया है बट बाकी डिटेल देंगे हम नेक्स्ट वीडियो। तो भाई अपनी पैकिंग हो गई है डन, सभी की हो चुकी है ऑलरेडी, हमारी क्या सभी की पैकिंग डन हो चुकी है। और इधर भाई रिवर है पीछे पर थोड़ा ऐसे ही डला हुआ है, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यही पेंट, बट इससे आगे भाई वीडियो शुरू होने वाली है फाड़ू, मतलब ये सोच लो आपको दिखानी 10-10 फुट कम से कम स्नो देखोगे आप, और सारा मस्त माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से निकल के तभी कहीं आगे पहुँचेंगे और आगे की डेस्टिनेशन देखते हैं कौन सी होगी अपनी। तो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय।